अस्टानिकुल स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्यूल। वैक्यूल जो है एक ऐसी ऑर्गेनली है जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में जो है पाई जाती है, यानी वैक्यूल्स आर प्रेजेंट बोथ इन एनिमल एंड प्लांट्स। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लांट्स में जो है वैक्यूल कैसा होता है। तो प्लांट्स के अंदर वैक्यूल जो है वो बहुत बड़ा होता है, यानी लार्जर इन देयर साइज। और ये क्या करता है, ये मेजर पोर्शन ऑक्यूपाई करता है प्लांट के सेल की, यानी ये जो है वो मेजर पोर्शन जो इसका उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। अब अगर हम देखें बच्चे, तो आप ये देखें कि ये जो प्लांट है इसका जो ये वाला मेजर पोर्शन है सारा इसने वैक्यूल ने ले रखा है। ये वैक्यूल है इतना बड़ा सारा, यानी जो सारा पोर्शन है वो किसने ले रखा है, प्लांट में वैक्यूल ने। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो है वो बहुत बड़ा जो वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, और ये वैक्यूल जो है वो पूरे सेल का सेंट्रल पोर्शन जो ऑक्यूपाई कर लेता है, जबकि इसका जो न्यूक्लियस है उसको ये पेरिफ्री की तरफ जो है वो धकेल देता है, यानी सेंट्रली पोजीशन खुद ले लेता है और न्यूक्लियस को साइड में जो है वो धकेल देता है। और बाकी जो तमाम रिमेनिंग जो इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं वो इसके थिन पेरिफ्रल लेयर की साइड पर जो है वो आ जाते हैं। ये देखें, थिन पेरिफ्रल लेयर है और इसकी साइड पर जो है वो आ गए हैं। अब बच्चे, हम अगर देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये जो है वैक्यूल ये सिंगल बाउंडेड मेम्ब्रेन ऑर्गेनली है, और ये सिंगल मेम्ब्रेन जो इसकी है वो वैक्यूल की वो टोनोप्लास्ट कहलाती है, यानी जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है दिस इज़ आल्सो कॉल्ड टोनोप्लास्ट। इसी तरह बच्चे, अगर हम देखें अब इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट के अंदर जो है वो बहुत बड़ा वैक्यूल होता है जो कि न्यूक्लियस की जगह ले लेता है, और न्यूक्लियस जो है वो उसकी पेरिफ्री की साइड पर उसको धकेल देता है। अब हम आते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की तरफ, यानी इसके फंक्शंस क्या हैं। तो ये जो है वो फंक्शन जो है वो एक्ट करता है एज अ स्टोर हाउस के तौर पर, यानी वैक्यूल जो इतना बड़ा है प्लांट के अंदर उसका क्या मेन फंक्शन है कि ये एक स्टोर हाउस के तौर पर एक्ट करता है, यानी ये जो है वो डिफरेंट चीज़ों को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। जो बेसिक स्टोर करता है वो किसको करता है कि वेस्ट प्रोडक्ट जो भी सेल के अंदर बन रहे हैं वो भी वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाते हैं। इसके अलावा जो इसके अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे होते हैं उनके जो इंटरमीडिएट्स हैं वो भी अपने अंदर स्टोर करता है। इंटरमीडिएट्स का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक जो है वो रिएक्टेंट या सब है जो कि ए से कन्वर्ट होना है उसने डी में, तो बी और सी दीज आर कॉल्ड इंटरमीडिएट। उसके बाद जो यूज़फुल सब्सटेंस हैं उनको भी ये अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ये तो था इसका एक फंक्शन। उसके अलावा ये प्रोवाइड करता है स्पोर टू द प्लांट्स, यानी ये प्लांट्स को स्पोर्ट भी जो है वो प्रोवाइड करता है। इस और कैसे प्रोवाइड करता है ये स्पोर्ट, के ये जो है एक्सपेंड हो जाता है, सेल को एक्सपेंड करता है विदाउट डाइल्यूटिंग द साइटोप्लाज्म। यानी जब आप ये देखें बच्चे के जो सेल है उसके अंदर अगर जो है वो पानी जो है भरना शुरू होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि टोनोप्लास्ट यानी जो वैक्यूल की लेयर है वो क्या करती है, पानी को जो है वो इसके अंदर आने देती है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट जो है वो गेट्स होते हैं साल्ट गेट्स, जो कि पानी को जो है वो अंदर पुश कर देते हैं, और जो वाटर है वो साइटोप्लाज्म को डाइल्यूट नहीं करता, क्योंकि अगर साइटोप्लाज्म जो है वो डाइल्यूट हो जाए तो उसके जो डिफरेंट एफिशिएंसी है साइटोप्लाज्म की वो इफेक्टेड होगी, और साइटोप्लाज्म में जो फंक्शन होने वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएंगे। इस वजह से साइटोप्लाज्म को डाइल्यूट किए बगैर जो है वो वैक्यूल सारा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो है सेल का साइज जो एक्सपेंड हो जाता है। इसके अलावा आप ये देखेंगे जब वैक्यूल के अंदर पानी भरेगा तो उसके अंदर टर्गर प्रेशर प्रोड्यूस होगा, यानी जब पानी भरने की वजह से जो वॉल है वैक्यूल की उनके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट होगा, और वो प्रेशर क्या कहलाता है, टर्गर प्रेशर, और इसी वजह से सेल के अंदर से वो टर्जिडिटी आती है और ये रिजिड हो जाता है। रिजिड का मतलब हार्ड हो जाता है। आप देखें कि कोई चीज़ हार्ड होती है तो वो क्या प्रोवाइड करती है, सपोर्ट। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, यहाँ पर एक ब्रांच है और इसके ऊपर ये जो सेल हैं अगर ये रिजिड ना होते तो ये सपोर्ट प्रोवाइड ना करते, और ब्रांच जो हमें सीधी डंडी खड़ी हुई नज़र आ रही है ये ऐसे ना होती, बल्कि ये इस तरह से नीचे गिरी हुई नज़र आती। यानी अगर वैक्यूल में से पानी सारा निकल जाए तो ये विल्टिंग हो जाएगी, यानी ये मुरझा जाएगा। इसके अलावा यानी ये जो है बेसिक इसका फंक्शन क्या है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और साथ ही जो है ये
इसको रिजिडिटी देती है। जैसे कि आपने देखा है कि जो बाइक के टायर है उसका बाहर जो है वो टायर होता है, अंदर ट्यूब होती है। ट्यूब के अंदर जब हम हवा भरते हैं तो वो किसको सपोर्ट करती है, टायर को, यानी वो उसको जो है वो रिजिड कर देती है, हार्ड कर देती है। इसके अलावा एनिमल सेल्स में भी वैक्यूल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल्स में डिफरेंट जो है वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, फूड वैक्यूल्स जो फूड की वजह से बनते हैं, लाइटिक वैक्यूल्स यानी उनके अंदर लाइजोसोम ऑर्गेनली होती है। कुछ वैक्यूल्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन स्टोरेज का काम करते हैं, गैस वैक्यूल्स होते हैं और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, अब ये तमाम जो वैक्यूल्स हैं तमाम एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते, और बल्कि जैसे कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रोटोजोआ यानी अमीबा और पैरामीशियम में प्रेजेंट होते हैं, और एनिमल सेल में बहुत सारे जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनका साइज़ भी स्मॉल होता है। अब हमने देखा बच्चे के जो प्लांट्स हैं उसके अंदर ये जो इतना बड़ा सारा वैक्यूल है ये कैसे बन गया, तो ये जो है वो स्मॉलर वैक्यूल्स जो हैं वो आपस में, कोलेसेंस का वर्ड लिखा हुआ है आपकी बुक में, उसका मतलब ये है फ्यूज़ होना, यानी छोटे छोटे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं और वो छोटे छोटे वैक्यूल्स आपस में जब फ्यूज़ करते हैं तो वो एक लार्जर वैक्यूल्स हैं वो बना देते हैं, और जिसकी वजह से तमाम जो मटेरियल है वो सारा पेरिफेरी की तरफ जो है वो चला जाता है और सेंट्रल पोजिशन जो है वैक्यूल खुद ले लेते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।